विधानसभा कमेटियों का मेंबर बनाएंगे, ठीक है ना जी। तो तभी वो आने जाने का तेल भी क्लेम कर सकते हैं, टीएडीए भी मिलेगा, नहीं तो मेरी तो मूवमेंट बंद हो जाएगी। आराम से थोड़ी चढ़ विशाबाजी चंडीगढ़ आप आए और शपथ ग्रहण नीचे कर लो यार, कर लो भाई। हाँ जी, मंत्रिमंडल विस्तार से आप शामिल हो रहे हैं सर? नहीं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। विधानसभा कैसे आना हुआ सर? नहीं, मैं स्पीकर महोदय को कहा है कि मुझे विधानसभा की जो कमेटियां होती हैं उसका मेंबर बनाओ, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मेंबर बनेंगे आएंगे जाएंगे। तो सर करनाल जेपी नड्डा जी आ रहे हैं जनसभा, तो वहाँ मुझे नहीं जानकारी उसकी। विद साहब, ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर जो है वो अब चुनावों की घोषणा की जा चुकी है, ऐसे समय में गद्दावर नेता, यदि हम आपका जिक्र करें तो आपको जो है वो मंत्री, आप मंडल को लेकर जो है वो सेरेमनी कंडक्ट हो रही है, आपको इनविटेशन नहीं दिया गया, किस तरीके से देखते हैं, कितनी अड़चनें जो है वो? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भगत, तो मैं पार्टी का काम पहले से भी ज्यादा करूंगा। सर, ऐसी चर्चाएं हैं कि वीर साहब नाराज चल रहे हैं, उनको बुलाने की कोशिश की जा रही है, तो ये चर्चाएं हैं कि देखो मैं कभी नाराज नहीं होता हूं, मैं स्पष्ट बात हूं, और मुझे कोई किसी ने कोई ऐसा संपर्क भी नहीं किया। सर, आज सीएम साहब गरुंडा गए हैं, सर अम्बाला होते हुए गए हैं, पहले चर्चाएं ये थी कि आपसे मिलेंगे, घर पे आएंगे, सर कोई बातचीत हुई सर इस दौरान? वो तो आप ही चर्चाएं करते हो, मेरे को तो कोई मिलने नहीं आया। नहीं, उन्होंने बोला था सुबह जब नाडा साहिब गुरुद्वारा के, उन्होंने कहा कि मैं जाते वक्त बात करूंगा मुख्यमंत्री जी। मैं तो घर ही था, अब मेरे से तो नहीं बात सर, पूर्व आते तो चाय पिलाते हम उनको सर, पूर्व मुख्य ना जी। हाँ जी सर, वो कह रहे थे कि अनिल भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पहले भी उनका मार्गदर्शन मिला। मैं उनका धन्यवाद अगर वो ऐसा मानते हैं, और वरिष्ठ तो मैं हूँ ही, मेरे जितना सीनियर तो सरकार में कोई नहीं है। और सर, उस दिन भी सर आप चले गए थे, जिस दिन इस्तीफा हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, आप बीच में चले गए थे, तो वो स्थिति क्लियर नहीं हो पाई कि आप, चर्चा ये चली कि आप नाराज होकर चले गए थे मंत्रिमंडल? मैं नाराज नहीं होता। सर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अनिल विज जी का स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है उनके घर जाएंगे, उनको मनाया जाएगा। हालांकि नाराजगी को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि नाराज जरूर थे विज साहब। पता नहीं मनोहर लाल जी कौन सी बात किस आधार पर, उनका आंख कहाँ होती है, निशाना कहाँ होता है, पता नहीं मेरे को। तो आप सर पार्टी से अगर नाराज नहीं है तो चंडीगढ़ भी आप कम आ रहे हैं दोबारा छत्तीसगढ़? नहीं, चंडीगढ़ किस लिए आऊँ मैं। मैं जब अब विधानसभा की कमेटी का मेंबर बना देंगे तो दो दिन होती हैं मीटिंगें, और मंगल और बुधवार को मैं आया करूंगा, आपसे मिला करेंगे। सर, आप गृह मंत्री थे मनोहर लाल सरकार, सर गठबंधन सरकार में आप गृह मंत्री थे, उस दिन से जब से इस्तीफा हुआ आप से कोई मंत्रिमंडल को लेकर कोई बात नहीं हुई तक शामिल करने को? मेरे से किसी ने बात नहीं। आप शामिल होना चाहते हैं सर मंत्रिमंडल में अपने हिसाब से? नहीं, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा की राजनीति में क्या किसी को नोटिस दिया था? नहीं, कम से कम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा है, तो मुझे तो दिस केम एज ए बम शेल टू मी कि मुख्यमंत्री बदल जा रहा है, मेरे को पूर्व जानकारी नहीं थी। तो ये मीटिंग में आने के बाद विधानसभा कमेटियों का मेंबर बनाएंगे, ठीक है ना जी, तो तभी वो आने जाने का तेल भी क्लेम कर सकते हैं, टीएडीए भी मिलेगा, नहीं तो मेरी तो मूवमेंट बंद हो जाएगी।